Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेलकम टू स्वयं प्रभा यह कंपनी विधि का तीसरा लेक्चर है मैं डॉक्टर कैलाश कुमार कुर्मी सहायक प्राध्यापक विधि विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय इस अध्याय में या जो प्रीवियस अध्याय था उसमें हमने कंपनी का इनकोपरेशन कैसे होगा उसके बारे में बताया था तो उसके लिए हमने जो है चार चरणों के बारे में बताया था कि कंपनी का इनकोऑपरेशन जो है वो चार चरणों में होता है पहले में बताया था कि प्रमोशन कैसे होगा कंपनी का दूसरे में बताया था दूसरे स्टेज थे कि कंपनी का जो इनकॉपरेशन्स कैसे होगा तीसरे में बताया कि सब्सक्रिप्शंस कैसे होगा कंपनी का और चौथे में बताया था कि कंपनी का जो इनकॉपरेशन सर्टिफिकेट है वो कैसे इशू होगा या उसकी जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की उसके बारे में पूरा ऑनलाइन प्रोसेस उसके लेक्चर के बारे में बताया था अब आज व्याख्यान चार में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनमें जो है वो क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं क्या पॉइंट्स होते हैं क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या उसके आवश्यक तत्व हैं क्या विशेषताएं हैं क्या उद्देश्य होते हैं उसको बनाने के पीछे उसकी क्या विशेषताएं होती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की और पार्षद अधिनियम के क्या कंटेंट होने चाहिए क्या क्या उसमें मेंशन होना चाहिए पार्षद सीमा नियम में कैसे परिवर्तन या अमेंडमेंट कर सकते हैं ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं और एक डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस या अधिकार के बाहर का सिद्धांत इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके अलावा जो है आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन क्या है उसकी क्या विशेषताएँ हैं है, क्या प्रकार हैं क्या उसकी कंटेंट हैं क्या उसके परिवर्तन से संबंधित नियम है और कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट के सिद्धांत को इसमें समझाएंगे और इससे संबंधित कुछ मामले जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस क्या होता है अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे कोई भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज होता है कि जैसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है तो सबसे पहले जो है वो प्रमोटर्स जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बनाते हैं अब कंपनी का जैसी रजिस्ट्रेशन होता है तो बिना पार्षद सीमा नियम की सुपुरदगी के कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो सकता इसीलिए जो है ये दस्तावेज जो है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ये महत्वपूर्ण लेके है जो एक कंपनी को जीवन जो है वो देने वाला डॉक्यूमेंट होता है यह कंपनी का चार्टर्ड होता है मींस सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है वो मेमोरेंडम ऑफ में, 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 में दिए होते हैं इसमें कंपनी क्या ऑब्जेक्ट होगा कैसे बनेगी तो ये जो है इसीलिए इसको कंपनी का चार्टर्ड बोलते हैं क्या पावर्स होंगे कंपनी के क्या क्या काम कर सकती है तो ये जो है इसके बारे में बताया गया है अब कंपनी का पार्षद सीमा नियम कंपनी की कार्य सीमा निर्धारित करता है कि मीन्स वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है तो ये पूरा जो है वो इस दस्तावेज में निर्धारित किया जाता है और इसके जो कंपनी के क्या उद्देश्य होंगे उनको भी बताता है अतः ये जो दस्तावेज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है यह आउटसाइडर और कंपनी के बीच के संबंध को स्थापित करता है कि आउटसाइडर कैसे डील करेंगे कंपनी से और कंपनी आउटसाइडर से कैसे डील करेगी तो ये पूरा इस दस्तावेज में लिखा जाता है और कंपनी इसके निर्धारण के समय सीमा के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकती मीन्स इसके संबंधित मतलब जो इसके पावर से इसके बियॉन्ड जो है वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती अब कंपनी के प्रपत्तों में पार्षद सीमा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह एक महत्वपूर्ण प्रवत्त है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के उद्देश्यों को और ऑब्जेक्ट को परिभाषित करता है तथा आधारभूत शर्तों को बताता है जिन पर कंपनी को निर्माण होना है यह कंपनी का चार्टर है और यह बाह्य जगत के साथ कंपनी के संबंध को नियंत्रित करता है तथा उसके कार्य क्षेत्र को निर्धारित करता है इस तरह से हम कहें कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो प्रोमोटर्स के द्वारा बनाया जाता है जिसमें जो है कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट होंगे क्या नाम होगा क्या प्लेस होगी मेन ऑब्जेक्ट क्या होंगे ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट क्या होंगे या उसके सब ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट क्या होंगे आउटसाइडर से कैसे कैसे डील करेगी पावर्स क्या होंगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती हैं जिसे अपन एमओ या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं अब कंपनी अधिनियम में इसको परिभाषित किया गया है कंपनी अधिनियम की धारा दो अट्ठाईस के अनुसार सीमा नियम से आशय कंपनी के ऐसे पार्षद नियम से है जो पहले किसी कंपनी अथवा अधिनियम के अधिनियम मूल रूप से बनाया गया है मीन्स या तो वो पहले कोई कंपनी अधिनियम के अधीन बनाया गया है या जो इस अधिनियम है इस अधिनियम के अधीन तैयार किया गया है उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किया जाता है और जिसको समय समय पर पूर्व कंपनी अधिनियम या जो वर्तमान कंपनी अधिनियम है उसके अनुसार परिवर्तित किया गया हो अब कंपनी अधिनियम द्वारा दी गई परिभाषा पार्षद सीमा नियम का प्रयोग मात्र सही अर्थ में प्रकट नहीं करती है अतः इसका सही अर्थ निम्नलिखित परिभाषाओं में किया जा सकता है सपोज एक केस था ऐश्वरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिचे इस केस में कोर्ट ने सीमा नियम कंपनी के चार्टर को परिभाषित किया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होगा पार्षद सीमा नियम के प्रमुख दो कार्य होते हैं पहला कि कंपनी का समामेलन क्यों हुआ या कैसे होता है इसको परिभाषित करता है और दूसरा जो कंपनी की गतिविधियां हैं एक्टिविटीज़ हैं कि वो बाहरी व्यक्तियों से कैसे डील करेगी उसको परिभाषित करता है तो उसको उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला है अब जो है इसकी जो विशेषताएं हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्या विशेषताएं होती हैं पहली जो विशेषता है कि जो पार्षद सीमा नियम है प्रत्येक कंपनी का एक आधारभूत डॉक्यूमेंट होता है मीन्स इसको इट वॉज दी कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर एवरी कंपनी या कंपनी का एक आधारभूत या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है होता है क्योंकि प्रत्येक कंपनी को इन इनकॉपरेशन्स करने के लिए इसको अनिवार्य रूप से बनाना पड़ता है इसके बगैर जो है वो कोई भी कंपनी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती दूसरी विशेषता बताइए कंपनी का एक एक प्रकार से स्टैचू उठे कि प्रत्येक कंपनी जो है वो जैसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनती है तो उसका ये कि स्टैचूट है क्योंकि इसमें कंपनी के अधिकारों के कंपनी के क्या अधिकार होंगे जो डायरेक्टर हैं उनके क्या अधिकार होंगे मैनेजर के क्या होंगे तो वो सारी प्रक्रिया जो है वो इसमें बताई है और कंपनी की क्या सीमाएं होंगी मीन्स लिमिटेशन क्या होंगी कंपनी की तो उनका निर्धारण भी आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो करता है तीसरी विशेषता इसमें बताई गई कि सीमा नियम में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जब भी कोई आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई परिवर्तन करना है तो केवल अधिनियम या जो कंपनी अधिनियम में जो प्रावधान बताए हैं उनके अनुसार ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है जिसको सीमाओं में विशेष कार्यों एवं परिस्थितियों में किया जाता है तो उसके लिए एक विशेष रेजुल्यूशंस या सिंपल रेजोल्यूशंस जो है वो पास करना पड़ता है कि जैसे कोई नेम में चेंज करना है या उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना है ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो वहाँ पे एक रेजोल्यूशन जो है वो बोर्ड के द्वारा पास किया जाना चाहिए चौथी जो विशेषता है कि यह एक सार्वजनिक प्रलेख है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जैसे ये रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल होता है और कंपनी का एग्जिस्टेंस आता है तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है अब यहाँ पे जो भी व्यक्ति कंपनी से डील करेगा या डील करना है तो वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है या विजिट कर सकता है उसको देख सकता है तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है नेक्स्ट विशेषता यह कंपनी के उन अधिकारों और क्षेत्रों को निर्धारित करता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के अधिकारों एवं क्षेत्रों को कि कंपनी के क्या राइट्स होंगे और क्या उसका स्कोप होगा तो ये उसका निर्धारण करता है और उसके जो कंटेंट हैं उनको निर्धारित करता है नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि सीमा नियम बाहरी व्यक्तियों तथा तो कंपनी के मध्य संबंधों को निर्धारित करता है कि जब भी कोई आउटसाइडर कंपनी से इसे कोई अनुबंध करना है या कोई और ऐसी बिजनेस करना है या कोई और ऐसी चीज करना है तो वो जो है एक रिलेशंस जो है वो इस्टेब्लिश करता है आउटसाइडर में और कंपनी में तो ये कंपनी की कुछ विशेषताएं जो हैं वो बताई हैं इसके बाद जो है, है।, है पार्सद सीमा नियम के उद्देश्य बताए गए हैं ने को लेके पार्षद तो में पूंजी प्रदान करना चाहते हैं या कंपनी में पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो, में में जो है वो जरूरी है उन्हें इस बात की जानकारी देना कि सीमा का जोखिम कितना होगा तो वो सारा जो है इसमें मेंशन रहता है पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दूसरा ऑब्जेक्ट बताया कि बाहरी व्यक्तियों को जो कि कंपनी के साथ व्यवहार या कोई कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं उन्हें कंपनी के अनुबंध की क्षमता मीन्स कंपनी क्या कर सकती है या क्या पावर्स हैं उनके मैनेजर्स को और जो डायरेक्टर्स हैं उनको सारे पावर्स जो हैं वो इसमें दिए होते तो ये दो मेन ऑब्जेक्ट्स को लेके कंपनी जो है वो बनाई जाती अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस का क्या महत्व है इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या महत्व होगा अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के क्षेत्र एवं महत्व को स्पष्ट करती है और वास्तव में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो किसी भी कंपनी की एक आधारशिला होती है मीन्स फाउंडेशन होती है उस फाउंडेशन पर पूरी कंपनी जो है वो स्थित होती है अब जिस पर कंपनी का निर्माण आधारित होता है और इसमें कंपनी का नाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता कंपनी में शेयर पूंजी अथवा कंपनी की शेयरों द्वारा तो ये सारी जानकारी जो है वो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में दी होती है मीन्स कि कंपनी का नाम क्या है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है और कोई अन्य ऑफिस हैं उसके वो कहाँ स्थित हैं कंपनी की शेयर कैपिटल्स क्या है उनकी वैल्यू क्या है और कंपनी किस प्रकार की है कंपनी शेयरों द्वारा लिमिटेड है या गारंटी द्वारा लिमिटेड है उसकी कार्य क्षेत्र क्या हैं उसकी सीमाएं क्या हैं उसके पावर्स क्या हैं कंपनी के या उनके मेंबर्स के इसमें सारी चीज़ों को समाहित किया जाता है और यदि कंपनी के मेंबर्स के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है तो वहाँ पर वो सारे एक्ट जो हैं वो वॉयड होंगे या अल्टा वॉयस होंगे ठीक है तो वहाँ पे जो है वो उनके लिए वो पर्सनल लाइबल होंगे वहाँ पर कंपनी जो है उनके लिए लाइबल नहीं होगी इसके अलावा उन्होंने बोले कि बाहरी व्यक्तियों के लिए जो है वो मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है या स्टैचूट होता है और यह एक सार्वजनिक प्ले होने के कारण कि पब्लिक डॉक्यूमेंट और कंपनी से क्या व्यवहार करेंगे आउटसाइडर तो उनके लेके ये एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है इस तरह से जो है वो मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन जो है वो प्रत्येक कंपनी के लिए या आउटसाइडर के लिए महत्वपूर्ण होता है इसके बाद डिस्कस किया है कि जो क्या लीगल रिक्वायरमेंट हैं पार्षद सीमा नियम की वैधानिक आवश्यकताएं क्या होती हैं या क्या होनी चाहिए तो एक कंपनी अधिनियम के अनुसार एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या सीमा पार्षद नियम के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होनी चाहिए पहली आवश्यकता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो प्रिंटेड तथा पैराग्राफ में विभाजित हो कि प्रत्येक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस प्रिंटेड हो और पैराग्राफ में विभाजित होना चाहिए ये हैंड रिटन और इसमें नहीं होना चाहिए दूसरी आवश्यकता है कि प्रत्येक अनुच्छेद या जो उसके सेक्शंस हैं सबसेक्शंस हैं उनकी क्रम संख्या उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अंकित हो तीसरा बताया है कि पार्षद सीमा नियम सभी प्रथम तथा प्रत्येक अभिदाता जितने भी सब्सक्राइबर हैं मीन्स जिन्होंने वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइब किया हुआ है जैसे कि प्रमोटर्स हैं डायरेक्टर्स हैं तो वो जो है उसके हस्ताक्षर जो है उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन्स में होने चाहिए एवं उनके नाम पता व्यवसाय और निवास इनका भी उसमें विवरण होना चाहिए चौथा जो इसका रिक्वायरमेंट है उसमें बताया कि कम से कम जो है एक गवाह का इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर हैं तो वो एक एविडेंस जो है वो उसका होना चाहिए पाँच इसमें बताया कि एक प्राइवेट कंपनी के पार्षद नियम में कम से कम दो सदस्यों तथा एक पब्लिक कंपनी के सदस्यों में कम से कम सात सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए मीन्स कि जहाँ पे कोई एक पब्लिक कंपनी है वहाँ पे जो है कम से कम दो सब्सक्राइबर के द्वारा उसके साइन हो और जहाँ पे कोई इसके बाद जो है छठवा जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि सदस्यों के स्थान पर उनके अधिकृत एजेंट जो है वो पार्षद नियम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं कि जहाँ पे कोई जो मेम्बर्स है वो एब्सेंट है तो उनके जो अधिकृत एजेंट हैं वो भी उनके ब्याप में उसमें साइन कर सकते हैं साथ में इसकी आवश्यकता है कि हस्ताक्षर के समय यदि आवश्यक हो, हो तो उसकी डेट और स्टैम्प उनकी उसमें प्रयुक्त होनी चाहिए तो ये एक पार्षद सीमा नियम की वैधानिक आवश्यकताएं हैं जो पूरी होनी चाहिए इसके बाद बताया कि पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर कौन कर सकता है सिग्नेचर कौन कर सकता है तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान बताए हैं कंपनी अधिनियम में कि जैसे कोई एक वन पर्सन कंपनी है तो उस कंपनी भी एक वैधानिक व्यक्ति है या कॉपरेट एंटिटी है अतः उसका जो पार्षद सीमा नियम है उस पार्षद सीमा नियम में एक सब्सक्राइबर जो है वो जरूरी है और सब्सक्राइबर के साइन जो है उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है तो वहाँ पे जो है वो वन सब्सक्राइबर जो है वहाँ पे उस पर साइन कर सकता है मीन्स जो वन कंपनी है वो भी उसकी सब्सक्राइबर हो सकती है दूसरा बताया कि क्या एक विवाहित या दिवालिया या विदेशी जो है उस पर साइन कर सकता है या सब्सक्राइब कर सकता है सिग्नेटरी हो सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जहाँ पे कोई ऐसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किया गया है और उस तैयार किए गए व्यक्ति को सब्सक्राइब किया है ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहता है पार्थ सीमा नियम का अभिदाता बन सकता है ऐसा व्यक्ति जो शत्रु देश का है तो वो सीमा नियम पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता उन्होंने बोला कि क्या एक फॉर्म जो है उस पर उसकी सिग्नेटरी हो सकती है तो एक फॉर्म भी उसकी सिग्नेटरी हो सकती है अब एक फॉर्म वैधानिक व्यक्ति नहीं होती ये लीगल एंटिटी नहीं होती अतः किसी पार्षद सीमा नियम की अभिदाता या सब्सक्राइबर बन सकती है परंतु उस फॉर्म का साझेदार अभिदाता नहीं बन सकता तो एक जो फॉर्म है वो उसकी सिग्नेटरी हो सकती है चौथा उन्होंने बोले कि क्या कोई आवेस्क जो है वो उसका सेकेंडेटरी बन सकता है तो एक आवश्यक की स्थिति संदिग्ध है इंडियन लॉ में क्योंकि भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार एक बैस कांटेक्ट करने की क्षमता नहीं रखता है और आवश्यक किया गया है कि अनुमान से ही जो उसका कांटेक्ट है वो वॉय एनिशियो है दूसरी तरफ इंग्लिश लॉ में इसके प्रावधान बताए गए हैं कि एक आवैस जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है और वो कॉन्टैक्ट जो है वो वॉयडेबल होगा क्योंकि अधिनियम में आवैस व्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है तो वो अतः जो पार्षद अधिनियम है किन एक्सेप्शनल कंडीशन में वो भी उसका सब्सक्राइबर हो सकता है तो ये जो है बताया गया है कि कौन व्यक्ति जो है उसका सिग्नेटरी हो सकता है इसके बाद पार्षद सीमा नियम के कंटेंट क्या होंगे मीन्स कि उसमें क्या क्या लिखा जाना चाहिए फर्स्ट जो है इसमें कोई भी कंपनी या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है तो उसमें छह चीज़ों का होना महत्वपूर्ण है इसके अलावा भी अन्य चीजें होती हैं लेकिन छह चीजें जो है वो महत्वपूर्ण बताई गई हैं फर्स्ट जो है इसमें बताया गया कि कंपनी का नाम क्या होगा मीन्स सबसे पहले जो है वो नाम रिजर्व करेंगे कि कंपनी का नाम क्या होगा तो वो इसमें लिखना महत्वपूर्ण है अब ये सारी प्रक्रिया जो है वो एक कंपनी का प्रमोटर जो है वो निभाता है जिसमें वो कंपनी का नाम डिसाइड करता है क्या कोई बाधाएं बताएंगे कि कंपनी जो है पहले से रजिस्टर्ड है यदि पहले से कोई रजिस्टर्ड कंपनी के नाम पे नहीं होगी तो ये नाम जो है उसमें मेंशन करना अनिवार्य है जिसको अपन नेम क्लॉज बोलते हैं दूसरा जो है उसमें बताया कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है क्या होगा तो ये भी उसमें मेंशन जरूरी है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा तो उसमें भी उसका नाम मेंशन जरूरी है कि कंपनी कहाँ पे अपना व्यवसाय करेगी रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा और क्या उसके अन्य ऑफिस होंगे तो वो सारे नाम भी उसमें मेंशन करना जरूरी है जिसको अपन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोलते हैं तीसरा बताया है, कंपनी के उद्देश्य जिसको ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलते हैं तीसरा कंटेंट कंपनी के उद्देश्यों के बारे में बताया गया कि उसके क्या ऑब्जेक्ट होंगे मीन्स कंपनी क्या व्यवसाय करेगी किस उद्देश्य को लेके व्यवसाय करेगी सपोज कि कोई चमड़ा व्यापार करेगी या कोई और चीज़ जो है उसमें प्रोवाइड करेगी तो ये जो है इसको ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलते हैं तो ये भी उसका महत्वपूर्ण कंटेंट नेक्स्ट कंटेंट बताया कि कंपनी का दायित्व क्या होगा मीन्स जहाँ पे कोई कंपनी बनी है उसकी लाइबिलिटीज क्या होगी किसके लिए कंपनी जो है वो लाइबल होगी तो इसमें जो है कंपनी उसको मेंशन करना पड़ेगा कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो ये इसमें मेंशन करना पड़ेगा उसके कंटेंट में और वो सारी चीजें जो है कितने के लिए कंपनी जो है वो लाइबल होगी तो वो पूरा लाइबी क्लॉज में मेंशन करना पड़ेगा पांचवा क्लॉज बताया गया है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का कि वो पूंजी जो है वो कैसे सब्सक्राइब करेगी तो ये भी उसमें मेंशन करना जरूरी है कि जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है वो तो सब्सक्राइब नहीं कर सकती लेकिन जो पब्लिक कंपनी है पब्लिक कंपनी के लिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मेंशन करना जरूरी होता है कि कैसे जो है वो पब्लिक से अपना फंड जो है वो सब्सक्राइब करेगी कि शेयर कैसे इशू करेगी बॉन्ड कैसे इशू करेगी और कैसे उसको सब्सक्राइब किया जाना है तो ये जो है इसको सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलते हैं इसके बाद छठवा जो इसका क्लॉज है वो संघ एसोसिएशंस और सिग्नेचर क्लॉज इसको एसोसिएशंस क्लॉज बोलते हैं कि जैसी कि कंपनी जो है वो किन किन से मिलके बनेगी क्या पावर्स होंगे कंपनी को तो ये सारा जो है इसमें एसोसिएशन क्लॉज में, में मेंशन होगा कि डायरेक्टर्स कौन होंगे उनके नाम पते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे क्या पावर्स होंगे उनको तो वो सारे जो है उसमें एसोसिएशन क्लॉज में ये सारे मेंशन होंगे तो इस तरह से इसके एक सीमा नियम के कंटेंट जो है अब जो है इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कोई भी कंपनी के नेम क्लॉज में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं फर्स्ट जो क्लॉज होता है या कंटेंट होता है दैट इज़ दी नाम क्लॉज अब इस बात में कंपनी का नाम लिखा जाता है नेम क्लॉज में कि कंपनी का नेम क्या होगा कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए उसका नेम जो है वो जरूरी है जिसके उसकी कंपनी की पहचान होगी या आइडेंटिफिकेशन जो है वो फाइंड होगी सपोज सालोमन एंड सालोमन कंपनी तो ये उसका नेम क्लॉज है या नेम डिसाइड है अब यहाँ पे नेम डिसाइड होने के पहले यदि कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने लास्ट में जो हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखेगी यदि कोई पब्लिक कंपनी है तो वो अपने लास्ट में जो है वो लिमिटेड कंपनी होगी लिखेगी लेकिन जहाँ पे कोई ऐसी कंपनी जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कला विज्ञान इत्यादि के लिए लिए तो वहाँ पे जो है उनको ऐसे बाक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती तो ये जो है फर्स्ट जो कंटेंट बताया नेम क्लॉज कैसे बनेगा दूसरा बताया है कि कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय या रजिस्टर्ड ऑफिस ये दूसरा कंटेंट है इसमें बताया है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी के पार्षद अधिनियम में मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन में उस राज्य का नाम लिखना आवश्यक है जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय होगा यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि सीमा अधिनियम में कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता लिखना आवश्यक है यदि कंपनी का पता नहीं लिखा गया है उसमें तो वहाँ पे जो है रजिस्ट्रार मना कर सकता है उसके रजिस्ट्रेशन से कि सपोज कंपनी का कार्यालय जो है रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कानपुर है तो वहाँ पर उसका नाम पूरा एड्रेस जो है वो लिखना आवश्यक है और प्रत्येक कंपनी को उस दिन से जिस दिन वह अपना व्यापार प्रारंभ करती है या समामेलन के तीस दिन के अंदर उस स्थान को निश्चित कर लेना चाहिए जहां पे वो अपना रजिस्टर्ड कार्यालय रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो बनाती है ये इसलिए भी आवश्यक है कि कंपनी से पत्राचार कैसे होगा तो इसके लिए जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो जरूरी है जोडिक्शन क्या होगा कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है बाद में तो उसका जोडिक्शन क्या होगा तो उसके अनुसार जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का डिसाइड किया तो ये दूसरा कंटेंट है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज तीसरा बताया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज क्लॉज अब object clause जो है वो प्रत्येक कंपनी का महत्वपूर्ण क्लॉज होता है तथा जिसमें कंपनी के उद्देश्यों की ऑब्जेक्ट क्या होंगे उनका विवरण होता है और कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमाएं कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या होंगे बिजनेस क्या करेगी सब बिजनेस क्या करेगी तो वो सारे जो है इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस में उसके मेंशन किए जाते हैं और उसकी लिमिटेशन क्या होगी मींस क्या क्या कंपनी कर सकती है वो सारी चीजें जो है इसमें तो तो मेंशन पहला जो है उन्हें बोला कि मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज तो पहला इसका भाग होता है मेन ऑब्जेक्ट मीन्स कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है सपोज कंपनी चमड़ा बिजनेस करेगी तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है इसके बाद जो है उसके सब्सिडरी और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट अब उसके बाद भी कंपनी उनने बोला कि वो सेल आउट करेगी प्रमोशन भी करेगी ये सारी चीज़ें करेगी तो वो उसकी सब्सिडरी या इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट होंगे तीसरा बताया अदर और ऑक्जिलरी ऑब्जेक्ट मीन्स जो सब्सिडरी और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट हैं उनके जो सहायक ऑब्जेक्ट होंगे वो अन्य उद्देश्य या अदर ऑगजिलरी ऑब्जेक्ट या किसी अन्य चीज कंपनी कर रही है तो उसको उसमें मैंशन किया गया है इसके बाद बताया गया है कि कंपनी का दायित्व क्या होगा या लाइबिटीज क्लॉज ये चौथा कंटेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कि कंपनी की लाइबिटीज क्या होगी तो कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों द्वारा कंपनी और गारंटी द्वारा कंपनी प्रत्येक कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा उल्लेख करना अनिवार्य है कि कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय सी है या लिमिटेड बाय गारंटी है तो ये जो है प्रत्येक उसमें मेंशन करना अनिवार्य है कि कंपनी लिमिटेड बाय सेयर्स है तो वो जो जितने भी सीयर्स हैं उनके लिए वो केवल लाइबल होगी कंपनी और लिमिटेड बाय गारंटी है तो उनके द्वारा गारंटी के द्वारा या गारंटी तक ही लाइबल होगी इसके बाद अनलिमिटेड कोई लाइब्रिटीज़ है तो वहाँ पर जो है वो अनलिमिटेड कंपनी जो है वो लाइबल होगी तो ये लाइब्रिटीज क्लॉज में मैंशन किया गया है इसके बाद जो पाँचवा कंटेंट है दैट इज़ दी कैपिटल क्लॉज कैपिटल क्लॉज में प्रत्येक उसकी मतलब अंश पूंजी वाली कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम की पूंजी वाक्य में कंपनी की अधिकांश पूंजी और उसका निश्चित मूल कि मतलब कैपिटल क्या होगी और उसका वैल्यू क्या होगा उसमें उसको मेंशन करना पड़ेगा अपने में, में और कंपनी जितनी पूंजी से रजिस्टर्ड की जाती उसे रजिस्टर है उसे रजिस्टर्ड और अथोराइज अथवा नॉमिनल पूंजी कहते हैं कि कितनी कंपनी की रजिस्टर्ड पूंजी है कितनी अथोराइज पूंजी है और कितनी नॉमिनल पूंजी है तो ये भी उसमें मेंशन किया जाता है और कंपनी किसी एक समय पर पार्षद सीमा नियम में दी गई संख्या से अधिक अंश जो है या शेयर जो है वो इश्यू नहीं कर सकती कंपनी के प्रकार या व्यापार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी की अधिकतम पूंजी निश्चित करना आवश्यक है और ये कैपिटल क्लॉज में मेंशन है दूसरा कि कंपनी की अंश पूंजी केवल इक्विटी अथवा प्रेफरेंशियल शेयर्स निगमित कर सकती है कंपनी जो है वो केवल इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है और कोई ऐसी निजी कंपनी है उसके लिए इस प्रकार को निगमन करने की आवश्यकता नहीं होती तो ये कैपिटल क्लॉज में मेंशन करेगा कि वो शेयर्स जो है वो कैसे इशू करेंगे डिवेंचर्स कैसे इशू करेंगे तो ये इसमें मेंशन है इसके बाद जो लास्ट क्लॉज होता है ये एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है इसमें जो है पूरा कंपनी का पूरा एसोसिएशंस होता है कि यह पार्षद सीमा नियम का अंतिम क्लॉज होता है और इस वाक्य में सीमा नियम पर हस्ताक्षर मीन्स किन किन व्यक्तियों ने उसको सब्सक्राइब किया है कि जो मैनेजर हैं प्रोमोटर्स हैं डायरेक्टर्स हैं तो वो सारे जो है अपने सिग्नेचर्स जो है वो इसमें मेंशन करते हैं उनकी कंसेंट जो है वो मेंशन करते हैं कि उनकी कंसेंट क्या है तो ये पूरा जो है उसमें मेंशन किया जाएगा तो इस तरह से पूरा एसोसिएशन्स क्लॉज जो है वो होता है तो इस तरह से इसके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन्स में कंटेंट होते हैं अब प्रोविजंस बताए गए हैं कि अल्टरेशंस कैसे होगा सीमा नियम में सीमा नियम में अल्टरेशंस या अल्टरेशंस और चेंजेस या अमेंडमेंट कह सकते हैं अपन इसको कि इनमें कैसे परिवर्तन किया जाएगा तो सामान्यतः सीमा नियम को एक अनचेजेबल डॉक्यूमेंट माना जाता है लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसमें उसको चेंज करना है तो वहां पे जो है सीमा परि उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो चेंज कर सकता है लेकिन जो है ऐसे ऑल्ट्रेश जो कंपनी एक्ट के या जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके अनुसार ही वो इसमें करेगा अब इसमें फर्स्ट कंडीशन बताइए कि जो नेम क्लॉज है उसमें यदि कोई चेंजेस करता है तो वो कैसे करेगा तो इसमें उन्होंने बताया कि कोई कंपनी यदि नेम क्लॉज में चेंज करना चाहती है तो वहाँ पर जो केंद्रीय सरकार है उसकी प्रीवियस अप्रूवल से या कंसेंट से या रिटर्न अप्रूवल से वो अपने नाम में चेंज कर सकती परंतु जब किसी सार्वजनिक कंपनी की मैं कोई ऐसे नेम क्लॉज में या निजी कंपनी में उसमें परिवर्तन होना है तो वहाँ पर जो है कंपनी के नाम में केवल प्राइवेट शब्द जोड़ना या हटाना वो तो ऐसा परिवर्तन करने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं होती क्यों यहाँ पर प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होते तो वहाँ पर कोई ऐसे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं लेकिन यहाँ पे यदि नेम चेंज में परिवर्तन करना है तो वहाँ पे केंद्रीय सरकार की प्रीवियस अप्रूवल से एक सिंपल रेजोल्यूशंस और स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करके उसमें नेम क्लॉज में वो परिवर्तन कर सकती है इसके बाद बताया कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें कैसे परिवर्तन कर सकती है कि यदि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कोई परिवर्तन करना है मीन्स के जैसे कानपुर है और उसको शिफ्ट करना है कहीं दूसरे सिटी में तो वो उसको कैसे करेगी तो इसके लिए जो है जो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करेगी और परिवर्तन के तीस दिन के अंदर वो कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करेगी और जैसे ही रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो वहाँ पे जो है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस को रजिस्ट्रार चेंज कर देता है तीसरा बताया कि जो उद्देश्य क्लास है ऑब्जेक्ट क्लॉज है उनमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है तो उद्देश्य बाक में परिवर्तन करना अत्यंत कठिन है क्योंकि विधान या स्टैचू द्वारा इसके परिवर्तन के लिए निम्न सीमाएं निर्धारित की गई हैं तो इसके लिए भी उन्हें बोला है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करेगा इसके बाद जो है उसके जो ऑब्जेक्ट क्लॉज हैं उसमें वो चेंज कर सकता है लेकिन वो उसके मेन ऑब्जेक्ट से संबंधित होने चाहिए जैसे कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं यदि कोई ऐसे परिवर्तन करता है कि परिवर्तन व्यापार को अधिकार, क्षमता चलाने के लिए आवश्यक हो कि जहाँ पे कोई ऐसा परिवर्तन किया गया है उनने बोला कि हमें अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाना है तो इस केसेस में जो है उसको ऑल्ट्रेश करता है फिर अपने मुख्य उद्देश्य को उन्नत साधनों द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो इस बेसिस पे भी वो परिवर्तन कर सकता है अब परिवर्तन व्यवसाय के स्थानीय क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए आवश्यक हो तब भी जो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर सकता है अब किसी सहायक व्यवसाय को मुख्य उद्देश्य के साथ लाभ की दृष्टि से शामिल किया जा सकता है अब सीमा नियम के किसी एक उद्देश्य को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है और कंपनी के व्यवसाय का समस्त या कोई भाग बेचने के लिए कर सकता है और किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति के समूह के साथ एकीकरण के लिए अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो परिवर्तन कर सकता है तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन होगा लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो उसको पास करना पड़ेगा और इसकी कॉपी जो है एक रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ेगी इसके बाद उन्होंने बोला कि लाइबिटी क्लॉज में कैसे परिवर्तन हो सकता है तो लाइबिटीज क्लॉज में जो है एक सीमित दायित्व वाली कंपनी अथवा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के शेयरधारकों के लिए दायित्व को उस समय तक असीमित नहीं किया जा सकता जब तक ऐसा करने के लिए प्रत्येक संबंधित सदस्य स्पष्ट रूप से सहमत ना हो मीन्स लाइब्रिटी क्लॉज में यदि कोई चेंज करना है तो वहाँ पे जब सारे सदस्य जो हैं वो एक सहमत हो तो वहाँ पे जो है एक स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करके वो उसमें लाइबिटीज क्लॉज में परिवर्तित कर सकते हैं और असीमित दायित्व वाली कंपनी को सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तन करने के लिए एक विशेष संकल्प जो है वो पारित करना होगा तथा जिसमें ट्रिब्यूनल की आवश्यकता जो है ट्रिब्यूनल की कंसेंट जो है वो रिक्वायर्ड है इसके बाद बोला कि पूंजी बाक में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं तो कंपनी को अपने पूंजी बाक में परिवर्तन कर सकते हैं परंतु ऐसा तभी कर सकते हैं जबकि वो है इस संबंध से कंपनी के अंतर नियम में प्रावधान हो मीन्स के जो उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो उसमें ऑल्ट्रेश की प्रोविजन्स दी हों कि वो कैसे उसमें ऑल्ट्रेशन करेगा अब इस दशा में नियम का परिवर्तन करके उसकी व्यवस्था करनी होगी तो इसके लिए दो प्रावधान बताए गए हैं सपोज कोई पूंजी में वृद्धि करना है तो वहाँ पे जो है अंतर नियम में वो चेंजेस कर सकते हैं तो अंतर नियम में व्यवस्था होने पर एक अंश पूंजी वाली कंपनी अपनी व्यापक सभा बुलाकर उसको चेंजेस कर सकती है और इसकी एक कॉपी जो है वो तीस दिन के भीतर जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करनी चाहिए कि हमें जो है अपना कैपिटल क्लॉज जो है वो बढ़ाना है तो वहाँ पर जो है जैसे रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा तो वहाँ पर जो है उसके कैपिटल क्लॉज है उसमें चेंजेस कर देगा इसके बाद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल उसको करना है तो वहाँ पर भी जो है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो है वो कर सकती है और इसकी एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को सम्मित करेगी और रजिस्टर जो है उसके जो शेयर्स हैं उनको रिडक्ट कर देगी या कम कर देगी अब इसके बाद जो है इससे संबंधित एक सिद्धांत जो है वो डेवलप किया गया था जिसको फर्स्ट टाइम जो है इसमें बताया गया है दैट इज दी कि अधिकार डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा कंपनी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा जो है ये फर्स्ट टाइम जो है वो निर्धारित की गई थी और इसमें बताया गया कि जहाँ पे कंपनी के जो पावर्स हैं मींस जो लिमिटेशन है सीमा है तो उनके जो मेंबर्स के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो कंपनी के मेमोरेंडा ऑफ एसोशिएशन्स के बियॉन्ड हो तो वहाँ पे जो है वो सारे कॉन्टैक्ट या एक्ट जो हैं वो वायड होंगे इसको अपन डॉक्ट्रीन ऑफ अल्टा वायस बोलते हैं मीन्स के जो उनके मेम्बर्स हैं उनको जो पावर्स दिए गए हैं उनके बियॉन्ड जाके कोई ऐसे काम करें या जो मेमरेंडा ऑफ एसोशिएशन्स में जो पावर्स मेंशन है उनके बाहर जाके कोई ऐसे एक्ट या कॉन्टेक्ट किए हैं तो वो सारे वायड होंगे जिसको अपन डॉक्ट्रीन ऑफ अल्टावायस बोलते हैं अब कंपनी का निर्माण कुछ विशेष उद्देश्यों को लेके किया गया है जिसको उल्लेखित होते की प्राप्ति के लिए होता है अब कंपनी इसके पार्षद सीमा नियम में दी गई शक्तियों के बाहर कोई कार्य नहीं कर सकती मीन्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पावर दिए गए एक कंपनी के लिए उनके जो मेम्बर्स हैं उनके बाहर कोई ऐसा काम नहीं कर सकती यदि कोई ऐसा कार्य या कॉन्टैक्ट करती है तो वो वाइड होंगे जिसे अपन डॉक्ट्रीन ऑफ अल्टा वायरस कहते हैं अब इस सिद्धांत के दो उद्देश्य हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा वायरस प्रथम कि अंशधारियों को यह ज्ञान हो जाए कि उनके द्वारा विनियोज धन कंपनी द्वारा किन कार्यों में उपयोग किया जा रहा है मीन्स उनके द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया मनी है वो क्या कंपनी के हित में हो रहा है तो ये इसका इस डॉक्ट्रीन का प्रपोज करने का मेन उद्देश्य यदि उनका व्यय जो है वो व्यर्थ हो रहा है वो पर्सनल यूज के लिए किया जा रहा है तो वहां पे जो है डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रावास जो है वो एप्लीकेबल होगी दूसरा कि किसी आउटसाइडर से कोई ऐसा कांटेक्ट करा है तो उस आउटसाइडर से वो उनके पावर्स के विदिन करा है उसने तो जो है वहां पे वो डॉक्टरिन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी ये बियॉन्ड जाके करा है उसने कोई ऐसा कॉन्टेक्ट तो वहां पर भी ये डॉक्टरिन जो है वो एप्लीकेबल होगी इसको फर्स्ट टाइम जो है इस डॉक्टरिन को एसवरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वैसे रिचे के इसमें किया था इसमें क्या थी कि एक ऐश्वरी रेलवे आयरन कैरेज कंपनी थी उस कंपनी में जो है उसके जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें मेंशन किया गया था कि कंपनी जो है वो रेलवे कैरेज बैगन और रेलवे प्लांट्स जो है वो केवल वही बनाएगी सामान्य बैठकों के संबंधित व्यवसाय जो है वो करेगी इसके बाद जो है खनिज पदार्थ भूमि और भवन क्रय इत्यादि के निर्माण करेगी तो इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लियर जो है वो ऐसा मेंशन किया था अब इसमें जो क्या था कि एक मेंबर्स थे कंपनी के उन्होंने एक कॉन्टेक्ट जो है वो किया बेल्जियम में बेल्जियम की एक कंपनी से या उससे कि वो जो है वो रेलवे ट्रैक जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे अब जबकि जो इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज था उसमें कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं थी तो यहाँ पे जो है इन्होंने कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कोई ऐसे कार्य किए तो इसके बेसिस पे जो न्यायालय था उसने इसमें क्लियरली हेल्ड किया कि यहाँ पे जो उसने कांटेक्ट करे हैं मेंबर्स ने कंपनी के वो इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं कि कंपनी जो है वो इसको डील नहीं करती कंपनी जो है वो कोई ऐसी लाइन जो है वो नहीं बिछाएगी तो इससे संबंधित फर्स्ट टाइम जो है न्यायालय ने हाउस ऑफ लॉर्ड ने द डॉक्ट्रीन ऑफ अल्टा वायरस को इस केस में इवॉल्व किया था कि ये सारे जो डॉक्टरिन ऑफ अल्ट्रावायरस वायरस है वो एप्लीकेबल होगी और जो डायरेक्टर्स के जो जिन्होंने जो कॉन्टेक्ट किया वो उसके लिए पर्सनली जो है वो लाइबल होंगे और यहाँ पे कंपनी जो है उसके लिए लाइबल नहीं होगी ब्रीच के लिए तो ये इस केस में फर्स्ट टाइम इसके बाद एक और केस है इस पर ए लक्ष्मी स्वामी मदलिया बना एल इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया जो एसबरी रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे के उसमें किया गया था जिसमें कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो परोपकारी उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी अथवा किसी सार्वजनिक सामान्य लाभदायक कार्यों के लिए भुगतान करने का अधिकार था इसके बेसिस पे अंशधारियों ने एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया इसमें क्या था कि जो डायरेक्टर्स थे या सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला कि हम जो है वो बैंक के लिए अप्लाई किया और लोन जो है वो लेना चाह अब जैसे ही वो लोन उसमें मेंशन किया तो ये उनके जो पावर्स थे उसके बियॉन्ड में जाके इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया अब जैसे बियॉन्ड में जाके इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया उन्होंने बोले कि दो लाख तक का वो केवल लोन ले सकते हैं उसमें जबकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में इसमें मेंशन तो उन्होंने उससे बढ़ के लोन उसमें ले लिया तो वहाँ जैसे ही उसमें उन्होंने लोन लिया कोर्ट ने जो ये फाइंड आउट किया कि कंपनी को ऐसे कोई पावर्स नहीं है कि वो उसको दी तो डॉक्ट्रीन ऑफ अल्टा वायरस जो है वो उसमें एप्लीकेबल हुई है लेकिन कोर्ट ने यह माना कि यहाँ पे जो है भले वो उस डायरेक्टर को पावर नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन है कि वो लोन ले सकते हैं तो इसको रेटिफाइड किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन से जो शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं कंपनी के ये इसमें डिसाइड किया अब इसके बाद बताया कि जो अल्ट्रा वायरस कोई ऐसे एक्ट किए हैं उनका क्या इफेक्ट होगा मीन्स के जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने कोई ऐसे अल्टावायस एक्ट किए हैं ट्रांजेक्शन्स किए हैं या कॉन्टैक्ट किए हैं तो उन कॉन्टैक्ट या एक्ट का क्या इफेक्ट होगा तो इसके बारे में कंपनी अधिनियम में बताया कि यद्यपि जो उनके राइट्स हैं उनके बाहर जाके कोई ऐसे कार्य किए हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कंपनी और उसके अधिकारों को कोई दायित्व तो नहीं होगा दायित्व तो का विचार निम्न संदर्भ में किया जा सकता है कि जहाँ पे कोई ऐसे कॉन्टैक्ट से बाहर कोई ऐसे एक्ट करे हैं या कॉन्टेक्ट करे हैं तो वहां पे वो एक्ट जो है वो वॉइड होंगे और कॉन्टेक्ट जो है वो वॉइड होंगे तो इसके लिए जो है वो तीन प्रावधान इसमें बताए हैं इफेक्ट के बारे में फर्स्ट जो है कि जहां पे कोई ऐसा स्टैचू से बाहर या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर कोई ऐसा एक्ट किया है या कॉन्टेक्ट किया है तो वो पूरा एक्ट और कॉन्टेक्ट जो है वो बाहर होगा कि कंपनी के अधिकारों के बाहर किया गया कार्य पूर्ण रूप से व्यर्थ और इड हो है। दूसरा बताया गया कि इंजेंक्शन इशू कर सकती है इंजंक्शन जहां पे कोई ऐसे एक्ट किए गए जो कॉन्टेक्ट के बाहर हो बियॉन्ड हो या जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से उनके बियॉन्ड हो और वहां पे उनके मेंबर्स के द्वारा कोई ऐसा एक्ट किया गया तो उनके अगेंस्ट में जो है कंपनी इंजेंशन इशू कर सकती है ठीक है तो वहां पर वो निषेधाज्ञा इशू कर सकती है तीसरा उन्होंने बताया कि संचालकों का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि सपोज कोई ऐसे डायरेक्टर हैं मेंबर्स हैं उन्होंने कोई ऐसा वो किया है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है तो वहाँ पे उनकी व्यक्तिगत दायित्व जो है वो होगा और वो व्यक्तिगत दायित्व के लिए लाइबल होंगे चौथा प्रभाव बताया कि अधिकार के बाहर प्राप्त की गई संपत्ति यदि संपत्ति खरीदने में कंपनी के धन का अधिकार किया गया है मनी का यूज किया गया है जिसको वहाँ पे उनको पावर नहीं है तो वो वहाँ पे उस संपत्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होंगे कंपनी उसके लिए दायी नहीं होगी पांचवा फैक्ट बताया है कि अधिकार का आश्वासन जहाँ पे संचालन कंपनी के एजेंट होते हैं उन्होंने बोला कि कंपनी के क्षेत्र में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं अतः है इनका यह कर्तव्य है कि वो कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत ही कार्य करें यदि उनके बियॉन्ड जाके कोई काम करते हैं तो वो कांटेक्ट जो है वो अवॉइड होगा और उनके लिए जो है वो व्यक्तिगत रूप से लाइबल होंगे फिर अधिकारों के बाहर जाके कोई गलत कार्य करना सपोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने कोई अधिकार दिए हैं किसी मेंबर्स को तो उनके बाहर जाके कोई ऐसे कार्य करते हैं तो वहाँ पे जो है वो पर्सनली लाइबल होंगे या व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके जो पर्सनल असेट्स हैं उनसे वो पूरा रिकवर किया जा सकता है तो इस प्रकार से इसका अल्टा अल्टावायस एक्ट का इफेक्ट बताया गया है अब इसके कुछ एक्सेप्शन बताए गए हैं इस डॉक्टरीन के डॉक्टरीन ऑफ अल्टा अप अपवाद में निम्नलिखित चीजों को बताया गया कि इन कंडीशन में डॉक्ट्रीन ऑफ अल्टा अल्टावायस जो है वो लागू नहीं होगी फर्स्ट कंडीशन है कि यदि कोई कार्य संचालक के अधिकारों की सीमा के बाहर है और कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंदर है तो इसकी पुष्टि की जा सकती है मीन्स कि जहाँ पे कोई मेंबर ने ऐसे एक्ट करे हैं कि उस मेंबर्स के अधिकार क्षेत्र के तो बाहर है लेकिन जो कंपनी का मेम्बरडा ऑफ एसोसिएशन है उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर है तो उसको जो है वो रेटिफाइड किया जा सकता है इस कंडीशन में ठीक है तो ये पहला अपवाद दिया गया है तो वहाँ पे जो उसके मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको एक रेजोल्यूशन से जो है उसको बैलेट कर सकते हैं दूसरा बताया कि यदि कोई कार्य कंपनी के अंतर नियम के बाहर है और अंतर नियम में परिवर्तन करके उसकी पुष्टि की जा सकती है कि जहाँ पे कोई ऐसे एक्ट किए गए हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर हैं तो वहाँ पे जो है उसमें ऑल्ट्रेशन करके या चेंजेस करके उसको रेटिफाइड किया जा सकता है तो, तो यहाँ पर डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रावाइज जो है वो लागू नहीं होगी तीसरी कंडीशन बताइए कि यदि कोई अनियमित ढंग से कोई कार्य ऐसा अनियमित किया गया है ठीक है तो उसको भी जो मेंबर्स हैं उसके उसको रेटिफाइड कर सकते हैं यदि वो असेंट दे दें दे या कंसेंट दे दें चौथा बताया कि कंपनी किसी व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई अनुबंध करती है मीन्स उसको कॉन्टेक्ट करने का कोई राइट नहीं है लेकिन वो कंपनी के बेनिफिट के लिए तो कंपनी जो है उसको रेटिफाइड कर सकती है पांचवा बात बताया कि यदि कंपनी किसी अन्य पक्ष से अधिकार से बाहर कोई अनुबंध से संबंधित कोई ऋण लेती है मीन्स कोई डायरेक्टर को पावर है कि वो दो लाख तक का लोन ले सकती है केवल और जबकि मेमोरेंडम में उन्होंने बोला है कि वो कोई भी लोन ले सकती है तो वहाँ पे जो है उस ऐसे अधिकार क्षेत्र उस कार्य को या कॉन्टैक्ट को कंपनी जो है उसको रेटिफाइड कर सकती है छठ मापवाद बताया कि कंपनी के संचालकों ने कोई ऐसे मिथ्य वर्णन किए हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं ऋण तो की अदाई के लिए संचालक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ये कुछ अपवाद बताए गए हैं हैं जिसको जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टावायस से संबंधित है फर्स्ट जो है बेल हाउस लिमिटेड बनाम सिटी बॉल्स प्रॉपर्टी लिमिटेड इस मामले में बेल हाउस लिमिटेड जो है सिटी बॉल प्रॉपर्टी लिमिटेड ने एक समझौता किया कि वो जो है उसके कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अब यहाँ पर क्या था कि जो डायरेक्टर था उसको कोई ऐसे या जो प्रमोटर था उसको ऐसे कोई काम नहीं किया उसने एक एग्रीमेंट जो है वो किया अब इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो है जैसी उसने वो एग्रीमेंट किया तो ये कंपनी के बेनिफिट के लिए था जबकि उसको ऐसे कोई पावर्स जो है वो ऑथोराइज नहीं थे तो इसके बेसिस पे डॉक्ट्रीन ऑफ पल्टा वायरस जो है इस केस में लागू की गई और इसमें उल्लंघन के कारण बेल हाउस लिमिटेड को नुकसान हुआ तो उस नुकसान के लिए जो है उन्होंने एक बात दायर किया तो वहां पे बोला कि यहां पे जो उसके, उसके बियॉन्ड थे तो इसमें कोर्ट ने निर्णय किया कि जहाँ पर डॉक्ट्री ऑफ पलटा वायस जो है वो लागू नहीं होगी नेक्स्ट केस रेन जॉन वेफाटे लंदन लिमिटेड इस केस में एक कंपनी थी जॉन वेफाटे जो केवल गाउन कस्ट्यूम या इनसे संबंधित व्यवसाय जो है वो करेगी कंपनी ने निर्धारित किया कि वो केवल बिनी पैनल जो है वो बनाएगी तो इसके बेसिस पे जो है उन्होंने बिनी पैनल जो है वो उसमें बोला अब ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो है वो लिमिटेड नहीं तो यहाँ पे जो है वो डॉक्टिन ऑफ अल्ट्रावास जो है वो कोर्ट ने लागू किया अब इसके बाद जो है दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं दैट इज़ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के अंतर नियम कंपनी कैसे चलेगी बोर्ड मीटिंग क्या होगी कैसे उसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो ये जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में बनाया गया है और ये दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर अब कंपनी का पार्षद सीमा नियम उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्रकट करता है कि उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन्स में बताया गया है अब इसको परिभाषित किया गया है कंपनी अधिनियम के अनुसार कि पार्षद अंतर नियम का आशय एक कंपनी के ऐसे पार्षद नियम से है जो पिछली कंपनियों के में रजिस्टर्ड हुआ हो या इस कंपनी अधिनियम के अनुरूप बनाया गया हो तो उसको आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशंस बोलेंगे दूसरी परिभाषा इसमें दी है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स के अनुसार कि पार्षद नियम कंपनी की ओर से और उसके सदस्यों के बीच अनुबंध है जिसके अंतर्गत सदस्यों के आपसी अधिकार निश्चित होते हैं अब अंतरनियम की विशेषताएं क्या होंगी अब नियम निम्नलिखित विशेषताएं बताएंगे कि आंत, नियम कंपनी के सीमा नियम के अधीन होते हैं और नियम एक सार्वजनिक प्लेख है जिसका रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन होता है और कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं अथवा अंशदारियों के हित होते हैं अब नियम अफसरों कर्तव्य अधिकारों इसको स्पष्ट करता है और इसमें कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं इसीलिए ये परिवर्तनशील है इसमें कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे नियम रीति का वर्णन होता है कि वो कैसे उसमें बताए अब इसके बाद बताया कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा या प्रकृति या महत्व क्यों है अब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसका इसीलिए भी कंपनी के लिए महत्व है क्योंकि ये कंपनी का दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें कंपनी का पूरा मैनेजमेंट रख रखाव और रीति कैसे अपॉइंटमेंट होंगे कैसे रिमूवल होंगे सारी प्रक्रिया जो है वो इसमें बताई गई है तो ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और जैसे ये रजिस्टर्ड होता है तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और इसीलिए इसको एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो माना जाता है तो ये इसकी प्रकृति और उसके बारे में इसके, बारे में। इसके बाद उनने बोला है कि पार्षद अधिनियम में या जो आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन है उसमें क्या कंटेंट होंगे तो इसके कंटेंट में उनने बताया गया कि जो सारणी यहाँ है उसके अनुसार जो है एवरी कंपनी जो है वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो बना सकती है अब अंश पूंजी का विभिन्न अंशों में विभाजन कि अंश पूंजी का विभाजन कैसे होगा हस्तांतरण कैसे होगा अलॉटमेंट कैसे होगा परिवर्तन कैसे होगा ये सारे नियम जो है इसमें मेंशन किए होते हैं चौथा कंपनी के अंशों का निर्गमन कैसे होगा अलॉटमेंट कैसे होगा आवंटन कैसे होगा क्या विधि होगी तो वो सारी चीज़ें न्यूनतम अनुदान राशि क्या होगी वो और जो शेयर कैपिटल सर्टिफिकेट है वो कैसे इश्यू किया जाएगा उसका निर्गमन कैसे किया जाएगा तो ये सारे प्रावधान जो है इसमें दिए होते हैं एक सीमा अधिनियम में उनका कमीशन क्या होगा कैसे भुगतान किया जाएगा अंशों एवं ऋण पत्रों का पर कमीशन और उनकी दलाली क्या, क्या, का करन, क्या भुगतान होगा अंशों का एकीकरण उपिभाजन क्या होगा कंपनी की सामान्य समायें मीन्स मीटिंग सूचना कार्रवाई कोरम प्रॉक्सी वोटिंग ये सारे प्रावधान जो है इसमें मेंशन है एंड इसके बाद जो है संचालकों की संख्या कितनी होगी डायरेक्टर की संख्या कितनी होगी उनके अपॉइंटमेंट कैसे होंगे क्या क्वालिफिकेशंस होंगी रेमोनेशन क्या होगा उनके राइट्स ड्यूटीज़ क्या होंगे इसके बाद लेखा पुस्तक हैं उनके अकाउंट्स क्या होंगे उनकी कैसे रख रखाव किया जाएगा एन सदस्यों को और लाभों का पूंजीकरण और अंके क्षण जो अकाउंटेंट है उनकी नियुक्ति उनके अधिकार कर्तव्य और जो प्रबंध संचालक हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो उनके कैसे अपॉइंटमेंट होंगे क्या नियुक्ति होगी और संचालन मंडल के अधिकार ये सारे जो है इसमें मेंशन है अब उनमें बोला कि इनके ऑल्ट्रेश कैसे किया जाएगा इसमें परिवर्तन में कि कंपनी की स्थिति को यथावत रखने के लिए और कंपनी की स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर वहाँ पे उसके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तो उसमें एक स्पेशल रेजुल्यूशंस पास और सिंपल रेजुल्यूशंस पास करके उनके जो नियम है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है अब पार्षद सीमा नियम एवं अंतर नियम के वैधानिक प्रभाव क्या होंगे तो उनने बोला कि जो कोई ऐसे मेंबर्स के द्वारा कोई ऐसे एक्ट किए गए हैं जो उनके पावर्स के बियॉन्ड हैं या जो डिसाइड किए गए हैं जबकि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताए गए तो वहाँ पे उन ऐसे कॉन्टैक्ट या एक्ट्स को रेटिफाइड किया जा सकता है अब ये कंपनी के द्वारा किया जा सकता है मेंबर्स के द्वारा किया जा सकता है जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा रेटिफाइड किया जा सकता है तो इस तरह से जो आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन्स है वो जो उनके मेम्बर्स हैं उनके लिए वो बाइंड होता है और ये जो है कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन वाला दस्तावेज होता है अब इसके बाद जो है समामिलन के लिए सीमा नियम की रजिस्ट्रार की सुविधा की सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक कंपनी जो है इफेक्ट क्या होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जैसी कोई कंपनी बनी है तो उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना जरूरी है और एक दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है इसीलिए जो है ये प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य होता है अब इसमें एक रचनात्मक सूचना या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सिद्धांत बताया गया है कि साधारणतः यह नियम जो है प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को कंपनी के साथ संबंध स्थापित करने से पहले किया जाता है अब इसमें जो है कि प्रत्येक व्यक्ति जब कंपनी से डील करता है तो वहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है कि आपको उसके सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन जो है वो पता हैं तो वहाँ पर जो है डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो लागू की जाती है यदि कोई व्यक्ति कंपनी के साथ संपर्क स्थापित करने के पश्चात की अनियमितता के कारण हानि उठाता है तो इसका परिणाम उसी को सहन करना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है है और जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वो एप्लीकेबल होगी अब इसके बाद आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत को इसमें समझाया कि रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का एक यह अपवाद है कि जिसे आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं और सीमा नियम तथा अंतर नियमों में दी हुई वस्तुओं के लिए उचित कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। जो उनके इंटरनल उसके लिए कोई ऐसे सद्भाव पूर्वक कोई ऐसे कार्य किए गए तो वहाँ पर डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो लागू होगा और वो उन एक्ट्स को या कॉन्टैक्ट्स को रेटिफाइड किया जा सकता है तीर डॉक्ट्रीन इससे संबंधित कुछ अपवाद जो हैं वो बताए गए हैं पहला जो अपवाद है डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कि अनियमितता का ज्ञान नॉलेज ऑफ इनरेगुलारिटी दूसरा है नेग्लिजेंस यदि करता है तो वहाँ पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लागू नहीं होगी तीसरा बताया फॉर्जरी फॉर्जरी केसेस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो लागू नहीं होगी तीसरा है नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स के जहाँ पर उसको अनभिज्ञ है वो आर्टिकल तो लागू नहीं होगा और अपेरेंट अथॉरिटी के बाहर जाके कोई ऐसा एक्ट किया है तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो लागू नहीं होगा इससे संबंधित जो है फर्स्ट एक केस जो है वो दिया गया ब्रिटिश रॉयल बैंक बनाम टॉन्ग इसमें जो है एक कॉन्टैक्ट किया गया था कॉन्टैक्ट्स के द्वारा उसमें बताया गया कि कंपनी जो है वो इतने पाउंड तक का शेयर जो है वो इशू कर सकती है इसके बाहर जाके कोई ऐसा उन्होंने बॉन्ड जो है वो क्लियर किया तो इसके बेसिस पे जो है बैंक ने जो है एक केस फाइल किया था कंपनी के अगेंस्ट में तो क्या कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो शेयर बॉन्ड है वो वैलिड है और वहाँ पर जो डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो लागू होगी ठीक है इस तरह से पूरा ये व्याख्यान थ्री में दिया गया अब अगले व्याख्यान में जो प्रवरण है या प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में चर्चा करेंगे थैंक यू Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I'll be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered. And Indeed, the very charm of this particular story that I'm going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. Uh, the adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled in all of its adaptations almost as Appointment in Samara. Here is the story A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty handed. Indeed, the servant had all gone white and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samara and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samara to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted Death. Why did you make a threatening gesture to my servant? asked the master to Death. And Death replied, It was not a threatening gesture, rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today because this evening, I have an appointment with him in Samara. See you in the next episode of Literary Snippet.